जुलाई की सुबह एक खबर आई। मालूम पड़ा कि कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को मार गिराया। ये खबर बताते हुए टाइम्स नाउ, लल्लन टॉप पत्रिका, जागरण, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस समेत कई मीडिया आउटलेट्स ने मेहराजुद्दीन की बताते हुए एक तस्वीर शेयर की। CNN न्यूज 18 के एडिटर आदित्य राज कौल और द टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार राजशेखर झा ने भी ये तस्वीर इसी मुठभेड़ की खबर बताते हुए ट्वीट की। हमने देखा कि ट्विटर पर कुछ लोगों ने इस तस्वीर वाले पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बताया कि ये कश्मीर में मारे गए आतंकी मेहराजुद्दीन की तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर का गूगल रिवर्स इमेज सर्च करने से ऑल्ट न्यूज को मालूम चला कि तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति उमर हुसैन है। सितंबर 2015 में छपी BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन का रहने वाला उमर हुसैन सोशल मीडिया के जरिए जिहाद को बढ़ावा देता था। वो इस्लामिक स्टेट समर्थक था। इस्लामिक स्टेट ने उसे उन 700 लोगों में चुना था जो सीरिया और इराक के आतंकी संगठनों से जुड़ने वाले थे। मिरर में छपी मार्च 2016 की रिपोर्ट में भी इस तस्वीर को उमर हुसैन की बताया गया है। खबर में बताया गया है कि कैसे ISIS से जुड़ा उमर हुसैन UK को निशाना बनाने के लिए फेसबुक के जरिए आतंकियों से जुड़ता था। BBC की 2018 और द सन की 2019 की रिपोर्ट में उमर हुसैन की मौत की खबर दी गई है। BBC ने लिखा है कि सीरिया में एक हमले के बाद उमर हुसैन को मरा हुआ मान लिया गया था। वहीं द सन ने बताया था कि सीरिया में उमर हुसैन ने एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था जिसमें उसकी मौत हो गई थी। हालांकि उमर हुसैन की मौत कब और कैसे हुई थी ये बात स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ISIS से जुड़े उमर हुसैन की तस्वीर पत्रकारों और मीडिया पोर्टलों ने 7 जुलाई को हंदवाड़ा में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मेहराजुद्दीन हलवाई की बताकर शेयर की। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये तस्वीर हटा ली है, लेकिन बाकी जगहों पर ये तस्वीर जो कि त्यों है।